एक्चुअली बात यह है कि अभी मैंने जो टॉप बॉक्स लाया है उसे मैंने माउंट करना है। जो भी माउंट करा है वो अभी पूरे अच्छे से नहीं होगा, पर भाई ज़्यादा थोड़ी ख़राब रास्ते से निकलेगी तो ये निकल भी सकता है, तो इसलिए मुझे अभी क्या करना है, इसके जो नीचे प्लेट आता है वो मैंने ऑर्डर नहीं करा, और अभी ऑर्डर करूँगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि दिखा रहे थे 20-25 दिन ऐसा दिखा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कभी जाके यहाँ नियरेस्ट एक दुकान है जहाँ ये सब काम करते हैं, जैसे प्लेट वगैरह काटना हो गया, सब काम करते हैं, वेल्डिंग का काम वगैरह करते हैं, तो मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ अगर हो पाए तो इसका जुगाड़ करके मैं इसका प्लेट बनाऊंगा। प्लेट बनाने के बाद उसके ऊपर ड्रिल करके होल करके इसको माउंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके पीछे बैकरेस्ट भी देना है तो जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये स्टड्स का है और इसको मैंने देखा ऑनलाइन, मैंने परचेस करा इसको, इसका लिंक जो है किसी अगर पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसका क्वालिटी जो है मैं बताता हूँ, इसका क्वालिटी इतना भी हाई नहीं है और इतना भी लो नहीं है, इसका स्पेस ठीक ठाक है। एक नॉर्मल राइडर के लिए जो है वो इसका स्पेस नॉर्मली ठीक है, जिसका जिसके पास इतना बजट है नहीं, और कोई अगर ऑफलाइन जाना चाहे तो बेहतर है, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी डील मिलती है। और मुझे ऑनलाइन में इतना मतलब यहाँ तक मैं यहाँ मिलता नहीं आसानी से चीज़ें, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इसको लेने का मेरा खास ही प्लान है कि मैं अगर कहीं राइड पर जाऊँ तो मेरा सामान की कमी ना हो, सबको पता है किस लिए है। तो इसका क्वालिटी थोड़ी सी मतलब प्लास्टिक थोड़ी सी कम है, जैसे देखने से लगता है कि अच्छी होगी लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है और उतनी भी ख़राब होगी, ठीक ठाक, लेकिन प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है वो कहता मैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस करा है और अगर किसी को चाहिए तो ये ले सकते हो, किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आए, मेरे ख्याल से ये ठीक है, पूरा टोटली अच्छी नहीं है मतलब ठीक है। तो मैं जाता हूँ, इसको मैं कंप्लीट सेटअप करने के बाद आता हूँ। अभी होगा कि नहीं वो उतना मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े प्लेट्स मैंने देखे नहीं है, तो अभी जाकर देखता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ऐसे प्लेट्स लगाए हैं, टॉप रैक भी लगाया, वो मैंने जुगाड़ करके लगाया है, वहीं जुगाड़ करा है, तो देखता हूँ अभी क्या होता है क्या नहीं। मैंने जो टॉप बॉक्स है वो मैंने लगा लिया है और लगा के अभी आया हूँ मैं, और जुगाड़ करके लगाया, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिला, मुझे जुगाड़ करना पड़ा, उसके बाद ये टॉप बॉक्स आके लगा। और टोटली जो बात है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बॉक्स जो है इतना हैवी मटेरियल 3 kg जैसा सामान ले सकते हो, इसके ऊपर ले नहीं पाओगे। अभी बाइक की लुक जो है वो बहुत बढ़िया आ रही है, देख के अच्छा लग रहा है, मुझे खुद पर्सनली अच्छा लग रहा है, फ्रंट से लेके साइड से लेके पीछे से मतलब बहुत ही खूबसूरत लग। अभी मैं बाइक को वॉश करूँगा, कहाँ गया कैमरा, हाँ अभी मैं बाइक को वॉश करूँगा, वॉश करने के बाद ये और भी ज़्यादा निकल के आएगी, पाइप यहाँ पड़ा हुआ है और बाकी सब देख ही रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, और साइड से थोड़ा देख लो। ये कुछ ऐसे दिख रही है, और यूँ कहूँ तो इसमें सेडलिंग जो है वो थोड़ी सी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कर सकते हो, ऐसा मतलब डबल स्टैंड पे नहीं, अभी सिंगल स्टैंड पे है अभी। माइक थोड़ी दूर है, साउंड थोड़ी सी कम आ रही होगी, बाकी सब कुछ बढ़िया है एकदम। ये स्टड्स का है सामान है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर किसी को भी लेनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हो आराम से, और उसमें जो है डिलीवरी चार्जेस जो है फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल नहीं है, और दाम ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 1800 रुपये के हिसाब से ये इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा जोर लगाओगे कुछ लोग फट भी सकता है। मैंने जो जैसा लगाया वो देख सकते हो कैसा लगाया मैंने, पूरा स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया, इसको निकाल नहीं सकते और अभी बाकी। मैं बाइक को नहलाता हूँ, खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद थोड़ा निकल के जाता हूँ, लोगों का रिएक्शन देखता हूँ कैसा होता है, कैसा लगता है, क्या कौन क्या कहता है, और बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग तब तक के लिए, और हाँ अगर ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी अपडेट्स है, वो सभी को मिलते रहे। तब तक के लिए।